नमस्कार, जी पुरोहिया में स्वागत है आपका। और आज का एजेंट मुद्दा के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। झारखंड की एक बेटी ने सीधे सरकार से सवाल पूछा है कि मेरे पापा का पैसा कब मिलेगा। इसी के साथ सिस्टम पर एक बार सवाल उठ गया है कि आखिर एसी कमरे में बैठकर नियम बनाने वाले बड़े अफसरों की सोच गांव तक क्यों नहीं पहुंचती। आम आदमी के जरूरतों के बारे में मुलाजिम कब सोचेंगे। तो देखते हैं आज का मुद्दा, सरकार से सवाल। जी हां, सरकार से सवाल। हर बुधवार की तरह झारखंड में लगने वाले जनता दरबार कल थोड़ा अलग सा था। अपनी समस्याओं को लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे थे, मगर इसी भीड़ में एक बेटी अपने पिता की गुहार लेकर पहुंची तो ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा भी काफी पेशेंस के साथ मामले को हैंडल किया। जनता दरबार में बेटी ने अपने पिता के हक की आवाज उठाई और सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। दरअसल झारखंड के कर्रा प्रखंड में चौकीदार के रूप में कार्यरत शंकर राम को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से शिवशंकर राम की बेटी पुष्पा नाग का एडमिशन रांची के मारवाड़ी कॉलेज में नहीं हो सका। मजबूरन उसे इग्नू से एडमिशन लेना पड़ा। इसके साथ ही पैसे की कमी की वजह से उसके भाई का भी एडमिशन रुका हुआ है। ऐसे में पुष्पा ने जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के सामने सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल उठाया। पुष्पा नाग जब मंत्री के जनता दरबार में पहुंची तो अपनी परेशानियों को लेकर उसकी आंखें भर आईं। रोते हुए उन्होंने अपना दुखड़ा नीलकंठ सिंह मुंडा को सुनाया। उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए 5 रुपए तक नहीं है, 6 महीने से पिता को सैलरी नहीं मिली है, सैलरी के लिए सीओ 500 रुपए रिश्वत की मांग करती हैं। उन्होंने मंत्री से क्या कुछ कहा पूरा बयान आपको सुनवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये किसी की भी परेशानी हो सकती है, शायद आपकी भी। वहां का मेरे को करने को मिलता तो मैं करती 2 दिन में। हम लोग जान की मैं भाई आ गया, भाई है कुछ कर लेगा तो कुछ का जिम्मेदार कौन होगा। चौकीदार लोगों तो पैसा मिल रहा है, कहीं नहीं मिला, जूता नहीं मिला है, झागा अलग हुआ तब से। तब से ना? हाँ। आज ना है, ठीक हो जाएंगे बात करो। नहीं, आप इसको 1 सप्ताह के अंदर करवाइए, नहीं तो मैं भाई का एडमिशन रुका हुआ सर। 1 सप्ताह के अंदर नहीं होगा, जब बात सही करने अभी, क्योंकि उनको पैसा बहुत हम लोग जरूरी है, अभी तो पैसा नहीं आता है। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 2000 से नहीं मिला है बेटा। नहीं मिला है 2000 से, मिल रहा है मतलब 3 महीना में 1 बार, 2 महीना में 1 बार। सर हम लोग बाहर पढ़ते हैं, अब हो गई आपका विषय है, हम लोग समझ गए सरकार। जनता दरबार में आए हैं, जनता दरबार में करा देंगे, जितना जल्दी होगा आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्दी करा देंगे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर, हम लोग महाराष्ट्र में एग्जाम, हमें पैसा की वजह से दूसरों से लेके आ गए। आप मेरा है करा देंगे, जो नियम के तहत आप छुट्टी से हो, छुट्टी से आप समझ रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता है, किसका नहीं होता है, वहाँ कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, सारे लोग करते हैं। बताना चाहिए कि हम पैर छू रहे हैं सितंबर से, तुम उस पर फर्क कर बोलती है कि ठीक है आपका ये महीना हो जाएगा, ऑटन नहीं आया है अभी, ट्रेजरी पास नहीं हुआ है, तो कभी बोलती है कि हम लोग को अटेंडेंस सीट नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, करवाइए।
सर हर एक फैसिलिटी जब ग्रामीण पुलिस उनको तो मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए ना सर। सारा नियम बन रहा है, सब सारा नियम बन रहा है। दरअसल ये परेशानी एक बेटी की है। मंत्री नीलकंठ मुंडा ने पुष्पा नाग के परेशानियों को सुनने के बाद भरोसा दिया कि जल्द ही इस बारे में अफसरों से वो बात करेंगे। जनता दरबार से बाहर निकलने के बाद मीडिया वालों ने पुष्पा के परेशानियों के बारे में उससे बातचीत की। इस दरमियान उसने बताया कि वो पीजी की स्टूडेंट है और पैसे की कमी पढ़ाई में अब आड़े आने लगी है। अब छोटे भाई की पढ़ाई रुकने तक की नौबत आ चुकी है। मैं पढ़ाई करती हूँ, पीजी कर रही हूँ इंग्लिश, मतलब पैसा की वजह से एडमिशन नहीं हुआ मैं मड़वारी कॉलेज में। अभी मैं इग्नू से पीजी कर रही हूँ। मंत्री जी को क्या बोले थे, क्या दरखास्त था? मैं मंत्री जी को ये बोली कि 6 महीने पापा का वेतन रुका हुआ। पापा क्या है? पापा मेरे ग्रामीण पुलिस हैं, कर्रा थाना में। उनका कभी रेगुलर मतलब कंटिन्यू हर महीना कभी पैसा नहीं आता है। ना उन लोग को कोई फैसिलिटी है, ना मेडिकल सुविधा है, ना कोई ड्रेस का सुविधा है, ना जूता मिल रहा है, कुछ भी नहीं। 2000 जब से झारखंड अलग हुआ तब से उन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। पहले तो जब झारखंड अलग नहीं उन लोगों को हर एक विंटर सीजन में उन लोग कंबल मिलती थी, अब तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि ये लगते भी नहीं है कि ये ग्रामीण पुलिस भी हैं। एक डंटा भी मिलता था पहले, एक डंटा भी अब नहीं मिलता उन लोग को। मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी। अब कब तक कार्रवाई होगी ये मैं कार्रवाई के बाद ही बोल सकती हूँ कि क्या कार्रवाई होगी। आप तो जनता दरबार आई हूँ, जो करे इन्हीं का फैसला है, इन्हीं के आगे जो होगा सो होगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग आश्वासन सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, उसके लिए हम लोग टाइम भी दे सकते हैं। इसके पहले सीईओ के पास गए थे वेतन के लिए, क्या बोले? सीईओ बोलती हैं कि आप अटेंडेंस शीट लाइए, हम लोग जिला पदाधिकारी को एप्लीकेशन लिखे हैं। घूस की भी बात बता रही हैं? हाँ, घूस की बात बता रही हूँ। जब भी उन लोग का वेतन बनाना होता 500 रुपया लिया जाता है, जब 2 महीना का बनाए या 3 महीना, 500 रुपया नहीं लेंगे, वेतन नहीं बनेगा। बोलते आउटन नहीं, आउटन के लिए पैसा चाहिए 500 रुपया। ट्रेजरी से पास नहीं हुआ पैसा, सीओ बोलती है। अब कहाँ से ट्रेजरी आता है, कहाँ से आउटन आता है, कहाँ से वेतन बनता, हम लोग को नहीं पता। हम लोग उतना नॉलेज नहीं, हम लोग उतना दूर नहीं पढ़े हैं। पर सरकार को, जब सरकारी नौकरी मिला तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हर महीना वेतन दिया जाए। अगर वो वेतन नहीं तो उसका कुछ अलग फैसिलिटी भी मिले, जो ग्रामीण में मिल रहा है लाल कार्ड का मिल रहा, वो भी तो नहीं मिल रहा ना। कि हम लोग को 10 किलो चावल मिला, हम लोग 10 किलो चावल खा के रह सके, वो भी नहीं मिल रहा। और सीधे लेकर चलते हैं आपको रांची स्टूडियो, जहां पर पुष्पा नाग सीधे हमसे जुड़ी हुई हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मंत्री की गुहार का क्या कुछ असर हुआ है। मगर मंत्री नीलकंठ मुंडा ने क्या कहा था ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो पुष्पा, आपका बहुत बहुत जी पुरवैया में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि परेशानी आपको लंबे समय से है, लगातार आपके पिताजी को पेमेंट नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है, मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है। क्या लगता है कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है अब उस पर अमल होगा? सर देखिए, ये तो मैं नहीं कर सकती, वो अमल होगा। मैं तो आप पहले भी कर चुकी, इसके लिए मैं इंतजार कर सकती हूँ कि सर आश्वासन एक सप्ताह बाद में वो इस काम को पूरा करें या 2 सप्ताह बाद पूरा किए, वो कार्रवाई करना बहुत जरूरी है सर। ये मेरे पापा के सवाल नहीं है या ये मेरा फ्यूचर की बात नहीं है। इसमें जितने भी उस प्रखंड से हैं, कोई भी ऐसे ग्रामीण पुलिस ने उनको को हर महीना वेतन मिलता हो, हर एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, अगर एक घर में एक लड़की पैदा हुई, अगर वो लड़की का घर में शादी किया जाए तो वो कैसे करेगी? आप किसी को जाके तो नहीं बोलोगे कि मेरी बेटी का शादी, हमको इतना मदद करो? पुष्पा, हम आपको यहां पर रोकेंगे, माफ कीजिएगा। मंत्री जी ने क्या कुछ कहा आपके मुद्दे पर सीधे, वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बीच बीच में जो आवंटन जो जाता है कभी कभी, तो चौकीदार लोग का 5 महीना 6 महीना 3 महीना में जाता है। उनके जाने के बाद फिर हम डीसी से बात किए, वहाँ संबंधित जिला के अधिकारी से बात किए और उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई विषय है तो उसको हम चेक करा कर उसको पैसा दिला देंगे। लेकिन जनता जिस तरीके से दरबार में, आप लोगों के जनता दरबार में एग्रेसिव हो जाती है उस टाइम, देखिए हम लोग हैंडल उनकी समस्या का समाधान करना,
और चूंकि थोड़ा सा पीड़ा रहती है जनता के मन में, तो उसको उजागर करता है लोग, तो उसमें सरकार निश्चित रूप से एक्शन में आती है। उसके निकलने के बाद तुरंत हम फिर गृह विभाग से बात किए, गृह विभाग से बात करने के बाद फिर DC से बात किए और उन्होंने कहा कि हम लोग दे रहे हैं। तो सीधे एक बार आपको लेकर चलते हैं रांची स्टूडियो, जहां पर पुष्पा मौजूद हैं, जिनके साथ ही आप बीती हुई है। पुष्पा, आपने भी सुना कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। अब आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो मंत्री जी ने आपको भरोसा दिलाया है, उस पर आपको कितना भरोसा है? यस सर, जब कार्रवाई हो जाएगी तभी मैं कर सकती हूँ, कि अभी कार्रवाई में भरोसा नहीं कर सकती जी, क्योंकि ये एक दो महीने की बात नहीं है, 6 मंथ से है। अगर आप जब मंत्री नीलकंठ मुंडा के जनता दरबार में पहुंची, तो आखिर आप क्या सोचकर पहुंची थी, क्या कुछ आपके मन में था, ये आप बताने की कोशिश करें। मेरे मन में यही था कि आखिर में ऐसा क्या है सरकार के मन में जी, या अगर सरकार उन लोगों को फंड देती है आगे, तो उनका क्यों नहीं, मतलब पैसा वहां तक क्यों नहीं जा रहा है, उसका क्या कारण है जो 6 मंथ पैसा नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा तो क्यों वहां रुका हुआ, किस लिए रुका हुआ, जो इतना 6 मंथ से रोका गया है पैसा। पुष्पा, आपने ये भी बात कही कि जो CO होते हैं या जो थाना के लोग होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, वो सैलरी देने के लिए भी जो 2-3 महीना में एक बार सैलरी आपके पिताजी का आता है, या यूं कहें कि जो भी उस विभाग में है उनका सैलरी इसी तरीके से आता है, उन समय भी उनसे घूस की मांग की जाती है, ये थोड़ा आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं। सर, ये मैं जब भी घर जाती हूँ पापा से पूछती हूँ कि आप 500 किस चीज के लिए देते हैं, तो वो जब भी बताते हैं कि बेटा ऑर्टन या ट्रेजरीज पास करने के लिए किरानी लोग 500 लेता है, तो हम बोले आप अकेले देते हैं या सब देते हैं मिलके जी, तो वो बोले नहीं हम लोग सब मिलके देते हैं जी। आपके अपने तो बोले आप लोग इसका कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, मैं पापा से इस चीज के मेट। हेलो जी, पुष्पा जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी आपसे साझा करते हैं जो परेशानियां उनको होती हैं, घर की अगर बात की जाए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर सैलरी नहीं मिलती है, नौकरी पेशा कोई आदमी है, तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है, ये हम बखूबी समझते हैं। तो घर में परिवार आपका कैसे चलता है, क्या कुछ परेशानी सामने आती है पढ़ाई लिखाई में या कहीं आने जाने में, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलती है, ये भी बताएं आप। ये बहुत परेशानी है सर घर में, अभी मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, ये मतलब हर्निया का, पैसा चलते हम पापा का ऑपरेशन अभी तक नहीं कराए। मेरे भाई का एडमिशन होने वाला था, बड़े भैया का, उनका एडमिशन रुका हुआ है, मेरा एडमिशन खुद का लेना था बैंकिंग का, वो मेरा रुका हुआ है जी। बिल्कुल, अपने घर का क्या परिस्थिति बताऊं जो सॉल्व हो जाए जी। बिल्कुल, हम परेशानी आपकी समझ रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उस पर वो वर्क करें और आपकी परेशानियां दूर हों। लेकिन सवाल यहां पर ये भी उठता है कि लगातार लंबे समय से झारखंड को बने हुए भी 15 साल गुजर चुके हैं, लगातार ये परेशानी चली आ रही है, तो क्या आपको सरकार या फिर यूं कहें कि सिस्टम पर अब भरोसा नहीं रहा कि सीधे आप मंत्री का सामना करने पहुंच गई, आखिर क्या कुछ कारण रहा कि सीधे आप मंत्री जी के पास पहुंची? सिस्टम में ये है ना, जब भी कहीं भी जाओ तो नहीं इस यहाँ नहीं होगा, आप आगे जाओ वहां पे बात करो, नहीं वहां नहीं होगा आप उससे भी आगे जाओ, मतलब यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो मैं ये सोची जब मेरे यहाँ जनता दरबार लगा है तो जनता का तो कुछ तो क्वेश्चन है जो सरकार सॉल्व करेगी जी। बिल्कुल सही कहा आपने पुष्पा। अब परेशानियों के बारे में आप थोड़ा बताएं, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो मंत्री तक पहुंचने की साहस, आपने साहस किया है, ये काबिले तारीफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो मंत्री तक पहुंचने का साहस नहीं कर सकते या मंत्री जी के पास उनको पहुंचने नहीं दिया जा सकता, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए आप? उनके लिए यही कहूंगी कि अपने आप वो हिम्मत जगाए, अगर वो अपने पापा अपने घर का भलाई चाहती है तो उसके लिए उसको आवाज उठाना होगा,
अगर नहीं उठाने से एक लड़की है कि घर के अंदर ही रहना चाहती है, घर वाले उनको दबाना चाहते, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हमको दबाव मिल रहा, हम दब जाए, हम अपनी आवाज खुद उठा सकते हैं। पिताजी अंदर से स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हाँ हम उस जगह पर जाएंगे तो ये हो सकेगा काम। बिल्कुल सही कहा पुष्पा आपने कि खुद को स्ट्रांग रहना पड़ेगा, लेकिन पिताजी इन सबके बीच कहीं ना कहीं आपके पिताजी की भी परेशानी होगी, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके पिताजी के कंधों पर ही है। कभी आपने अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि जो भी बड़े, इसके लिए कुछ नहीं करना, बड़े साहब जो हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे अपने परेशानियों को वो साझा करें? जी पुष्पा हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिताजी से आपकी बात होती होगी, क्योंकि पिताजी आपके परेशान रहते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कभी आपने ये नहीं कहा कि जो भी उनके ऑफिसर हैं जिनके अंदर में वो काम करते हैं उनसे अपने परेशानियों को रखें? वो बोलते थे, हम हमेशा उनको देते, पापा ऐसे आप लोग कीजिए, ऐसे मिल के आप लोग कीजिए, कि आप लोग जितने भी मतलब वहां के स्टाफ हैं सब मिल के आप थाना में जाके बात कीजिए, थाना वाला नहीं सुनता है, डीसी से आप लोग जाके बात कीजिए। तो मैं पापा एक दिन हमको ये क्वेश्चन किया, बेटा हम अकेले क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग कहां तक जाएंगे, अगर हम लोग का कौन सुनेगा, यानी यही चीज मेरे अंदर खाया जा रहा था कि अगर मैं पापा नहीं बोल सकते तो मैं तो बोल सकती हूँ ना। बिल्कुल ये अदम में साहस आपने दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी मन में, कभी आपके मन में कभी ये नहीं लगा कि आपके पिताजी सरकारी मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स के अंदर काम करते हैं और उन्हीं ऑफिसर्स के खिलाफ, उसी सिस्टम के खिलाफ आप शिकायत लेकर मंत्री जी के पास पहुंची, तो आपके पिताजी की नौकरी पर भी इसका असर हो सकता है? अमूमन ऐसा होता है, क्या इसका कोई डर आपके मन में? सर सच्चाई जो है ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, अगर जो भी हो नौकरी अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। आपके मन में कोई डर नहीं है? क्योंकि आमतौर पर डर रहता है, बहुत बार हमने भी देखा है कि लोग डर वश नहीं जाते हैं कि उनके ऑफिसर हो सकता है कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर दे या फिर नौकरी से निकाल दे, ये भी मन में डर रहता है और वो लगातार उस जो पीड़ा है उसे अपने आप तक ही सीमित रखते हैं, ये डर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपने हिम्मत दिखाया है और ये हिम्मत जो है वो ना सिर्फ आपके पिताजी के लिए ही नहीं बल्कि वो तमाम लोग जो आपके पिताजी के साथ काम करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत है। तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि अगर आप शिकायत लेकर मंत्री जी के पास जाती हैं तो आपके पिताजी की परेशानी हो सकता है कि बढ़ जाए? इसमें कोई ऐसा गलत चीज, कोई बात गलत नहीं बोली हूँ जो मैं पापा को परेशानी होगी, उसके लिए मैं आगे हूँ। अगर मैं कोई गलत बोली हूँ उसके लिए मैं आगे हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है या कोई डर नहीं है मेरे अंदर कि मेरे पापा को कुछ होगा या मेरे पापा को जॉब में कुछ प्रॉब्लम होगा। जो सच्चाई है वो फैक्ट है कि हाँ ये उनके साथ हुआ है और हो रहा है। जी बिल्कुल पुष्पा, हम आपके साहस की बार बार सराहना भी कर रहे हैं और हम ही नहीं तमाम जो लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आपकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। जी पुरोहिया के रूप में आपको एक मंच मिला है जहां से आप अपनी बातों को मंत्री जी के सामने रख रही हैं। जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आपके पिताजी की बातों को नहीं सुना और लगातार लंबे समय तक आपके पिताजी को संघर्ष करना पड़ा, आपके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऑफिसर्स भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, मंत्री जी भी देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे इस मंच से, जी प्रोइया के मंच से? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो सिस्टम है वो कंटिन्यू सही से चले, ना किसी को तकलीफ हो ना किसी कोई प्रॉब्लम, मतलब कि वो सोचना ना पड़े कि आज मेरे पास पैसा नहीं है। अरे नौकरी क्यों करता है लोग कि मेरा दो बच्चा उसको सही से खिला सके, पिला सके, पढ़ा सके, ताकि मेरा बच्चा भी आगे जाके किसी का भविष्य बना सके। जी अच्छा पुष्पा, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री रघुबर दास की, आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगर बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा करते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की बातें आती हैं जहां पर झारखंड में जो लोग निचले तबके के हैं या जो लोग सरकार में कर्मचारी हैं उनकी परेशानी। अब बताइए आपके पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और उन्हें घूस देना पड़ता है,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या कही जा सकती है। क्या कहेंगे आप? शर्म की बात है। यस सर, ये बहुत शर्म की बात है। पुष्पा, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पिताजी आपके नौकरी करते हैं और एक व्यक्ति हैं कमाने वाले आपके घर में, और काफी सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी उन पर निर्भर है। आप माँ की परेशानी बताएं, अपने अपने भाइयों की परेशानी बताएं, खास तौर पर पिताजी की अगर आपके बात करें तो क्या कुछ परेशानियां होती हैं आपके घर में? बहुत सारी सर। फिलहाल 2-3 साल पहले मेरी दीदी का जब शादी हुआ था, हम लोग शादी के लिए पैसा सोचना पड़ रहा था कि हम लोग कहां से शादी करें, कैसे करें। सब बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो, अच्छे से शादी ब्याह हो उनका, ताकि वो हमेशा खुश रहे। एक चीज हमने देखा पुष्पा यहां पर, कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी आप में हमने वो जीवटता देखी कि आपको पढ़ाई, आगे की पढ़ाई करनी है ताकि आप अपने जिंदगी को बेहतर बना सके और अपने जो पिताजी हैं परिवार की परेशानियों को कम कर सके, यहां तक कि आपके भाई भी पढ़ाई में काफी रुचि दिखा रहे हैं। आप ये बताएं कि पढ़ाई करके आप क्या करना चाहती हैं, आगे क्या कुछ करना चाहेंगी? सर, आगे मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं घर की जो परेशानी है उसको थोड़ा कम कर सकूं। अगर मेरे पापा में जो अभी बीमारी से वो झेल रहे हैं, मम्मी जो बीमारी से झेल रही है, उन सब से उन लोग को दूर करना चाहती हूँ ताकि वो ना सोचे कि उनको आज इस दवा खरीदने के लिए इतना पैसा लगे, उस दवा खरीदने के लिए वो पैसा लगे, ये उनको वो सोचना ना पड़े। जी बिल्कुल पुष्पा, हम समझ सकते हैं जो भावनाएं हैं आपकी, जिस तरीके की परेशानी है वो आपके चेहरे से साफ दिख रही हैं। लेकिन अगर सरकार से अपील करना हो आपको आपके एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप पढ़ाई के प्रति काफी आप में उत्सुकता दिख रही है, क्या कहना चाहेंगी? समय कम है, संक्षेप में बताएं आप। सर यही कहना चाहिए, जितने भी यहाँ गरीब बेटी है, झारखंड में मैं नहीं हूँ, बहुत सारी गरीब बेटी है, सबको सरकार समान रूप से मुहैया कराए, उसके जरूरत जितने भी हो। यानी सरकार को आप जैसी बेटियों के बारे में जरूर सोचना होगा। पुष्पा, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी परेशानियों को जी प्रोइया के साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी चाहेंगे कि जो भी आपकी परेशानियां हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से दूर हो सकें। तो आज का मुद्दा में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जी प्रोइया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं भाई लगे, एक भाई है, कुछ कर लेगा तो कुछ।